नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं कच्चे टमाटर की सब्जी आपको बना के दिखाऊंगी। कच्चे टमाटर की सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मैं कच्चे टमाटर की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने सरसों तेल यूज़ किया है और उसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने सरसों ऐड कर लिया है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ये थोड़ा भून जाता है, उसके बाद यहाँ पर मैंने कच्चे टमाटर और आलू के स्लाइसेस किए हुए हैं, जिससे कि ये अच्छे से पक सके। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटे करके इसको नहीं कट किया है, थोड़ा पतला पतला करके हमने आलू और टमाटर को कट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। करीबन 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम में, और हमें चलाते रहना है जिससे कि नीचे जो है वो लग ना जाए। इसलिए हमें कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। देखिए, 3 मिनट के लिए हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं देना है, थोड़े कम मसाले में इसे हम बनाएंगे। फिर हम इसमें करीबन 1 टीस्पून हल्दी देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर देंगे। देखिए, हम इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और हमें इसके 2 मिनट के लिए फ्राई करते रहेंगे। जैसे 2 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें करीबन 1 टीस्पून चीनी देंगे, क्योंकि टमाटर जो है ये खट्टा होता है, तो इसमें जो चीनी हम देंगे तो इसमें बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आता है खट्टा मीठा का, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और इसमें हम हरी मिर्च भी देंगे, जो कि हमने पहले से ही बीच से कट कर लिया है। इसको हम देंगे थोड़ा तीखापन के लिए, और ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। अब हम इसको इसी तरीके से थोड़ा सा और भून लेंगे, जिससे कि ये जो सब्जी है, कच्चे टमाटर और आलू का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ही निकल जाए। तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेंगे। अब जो है 5 मिनट के लिए हमने इस मसाले के साथ इसे अच्छे से भून लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें करीबन 1 कप पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप पानी देके हमें एकदम लो फ्लेम में इसे ढक देना है 5 मिनट के लिए, और 5 से 6 मिनट तक हमें इसे इसी तरीके से ढक के एकदम कम फ्लेम में इसको पकाना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो जो सब्जी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और ये कच्चे टमाटर की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आज बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।